बिहार राज्य के वैशाली नगरी में राष्ट्रीय किसान समागम द्वारा आयोजित शून्य लागत प्राकृतिक कृषि शिविर संपन्न हुआ। शिविर के मुख्य अतिथि पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने सभी किसान प्रशिक्षुओं को इस पद्धति में एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कराने की विधियां बताई। इसमें देसी अन्न, दलहन, तिलहन एवं जड़ी बूटियों द्वारा नाना प्रकार की मिश्रित प्रभावकारी घोल भस्म बनाकर आधुनिक कृषि से दुगुनी मात्रा एवं लाख गुना गुणवत्ता पूर्ण उपज लेने के बारे में प्रशिक्षित किया। इस शिविर के आयोजन में नीरज सिंह जी ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इस शिविर के आयोजन के पीछे बिहार राज्य के किसानों को रासायनिक खेती से मुक्ति पाने का उद्देश्य सामने रखा, साथ साथ जीरो बजट खेती में उनकी शुरुआत कैसे हुई यह बात भी उजागर की। मैं पिछले 3 सालों से शून्य लागत प्राकृतिक कृषि पे काम कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ। वैसे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी को 2010 से मैं जानता था, और पहले मैं दिल्ली में था लोअर हैंड कंपनी में CFR में, और जब इनसे मिला तो मुझे लगा कि नहीं, जिस विकल्प में जो है वो शहरी सभ्यता नहीं हो सकती है, किसानों की ज़िंदगी भी एक विकल्प हो सकता है। और मैंने देखा कि हजारों की संख्या में जो युवा हैं दिल्ली में 10,000-15,000 के लिए धक्के खाते हैं, वो घर में संपन्न है, वो एक विकल्प खड़ा कर सकते हैं, फिर भी वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में वो धक्के खा रहे हैं। तो हमें लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए ताकि एक नए विकल्प की तलाश हो सके। उसमें ये शून्य लागत प्राकृतिक कृषि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम उसकी ओर मुड़े और एक विकल्प खड़ा करने की ओर आगे बढ़े हम लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसलिए हमने सोचा कि और भी लोग इससे प्रेरित होकर और आगे काम बढ़े, इसलिए हम लोगों ने ये शिविर का आयोजन किया है बिहार में राष्ट्रीय किसान समागम के बैनर के तले। शिविर में दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम से किसान आए हैं, और काफ़ी कुछ उन लोगों को सीखने को मिला, और उनको लगा कि नहीं, ये एक विकल्प हो सकता है। उनके में जो निराशा का भाव था किसानों का कि और खेती छोड़ रहे थे, उनको लगा कि नहीं, इस विधि से भी हम कुछ कर सकते हैं। उनमें आशा का संचार हुआ है, यहाँ पे शून्य लागत से खेती करने का उन्होंने सीखा है, जीवामृत, घन जीवामृत, और कैसे पानी का बचत हो, कैसे बीज का शोधन हो, कैसे देसी बीजों के आधार पर हम खेती कर सकते हैं। मतलब कि गांव का पैसा गांव में, हम कोई खेती करने के लिए हमें किसी बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपने ही बीजों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसान आए हैं, वो उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने अपने घरों को जाएंगे तो आगे से हम विष मुक्त खेती करेंगे, बिना किसी यूरिया डाई पोटाश की खेती करेंगे, और लोगों को भी बताएंगे शून्य लागत पर, ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचत हो सके और उत्पादन बढ़ सके, उनमें समृद्धि आ सके, और पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। जीव जंतु जो है वो भी कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से उनको भी हानि होता है, उनकी भी रक्षा हो सके। मैं शुरू से ही जीरो बजट से, मतलब जब से खेती कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से जीरो बजट से ही खेती कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा परिणाम आया है। मैं जीरो बजट के माध्यम से केले की खेती करता हूँ, केले के साथ अंतर्वर्ती जो है अदरक की खेती करता हूँ, और जिमीकंद, मिश्रीकंद, शकरकंद, और कच्चू जिसको पेप्सी बोलते हैं, वो तमाम और अन्य प्रकार के कंद का जो मैं केला के बीच में लगा रहा हूँ। देसी बीज जो है गेहूं का बंसी, वो उत्पादन करता हूँ। उसके अलावा धान, सारे मतलब लगभग सभी चीज़ों का हमने जीरो बजट से प्रयोग किया है, और काफ़ी अच्छा हुआ है, और हमसे देख के हमारे अगल बगल के जो किसान हैं उन्होंने भी इसको अपनाया है, और वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBNF SPTV, वैशाली, बिहार।